खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। छतरपुर, शनिवार को आयोजित लोक अदालत में छतरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण अरुण कुमार शर्मा, विशेष न्यायाधीश सिकंदर सिंह परमार, एडीजे एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशांत निगम, एडीजे संजय जैन, एडीजे नौरिन निगम, एडीजे सोएब खान, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आर के गुप्ता, एडीजे आर एल शाकिर, सीजेएम एडी रजक, मजिस्ट्रेट सोनाली शर्मा, मजिस्ट्रेट चेतना पालीवाल, मजिस्ट्रेट पवन संखवार, मजिस्ट्रेट प्रीति मिश्रा, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एवं के द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया गया। लोक अदालत का आयोजन जिला और तहसील न्यायालय परिसर में किया गया। नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया गया। प्रकरणों की सुनवाई करने के लिए 14 खंड पीठें गठित की गई थी। लोक अदालत में बैंकों की लंबित ऋण वसूली, बीमा संबंधी प्रकरण, नगर पालिका चेक बाउंस, दुर्घटना बीमा तथा मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रकरणों का आपसी सुलह से निराकरण किया गया। लोक अदालत से प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण किया जाता है। इनकी आगे अपील नहीं होती है। पक्षकार लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। कुटुम्ब न्यायालय में दो परिवारों का राजीनामा हुआ, जिसमें पति पत्नी के विवाद रजनी सुरेंद्र और दीपा अरविंद की सुलह हुई और एक दूसरे को माला पहनाकर उन्हें अपने परिवार में वापस होने की सौगंध ली। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे प्रशांत निगम ने बताया कि लोक अदालत में कुल निराकृत प्रकरण में प्री लिटिगेशन के कुल 414 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। इसमें बैंक से संबंधित 33 प्रकरणों का विद्युत के 94, नगर पालिका के 258, वैवाहिक मामले 5, अन्य मामले 24 प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर हुआ। इस तरह प्रेम एक्टिवेशन के कुल 9730 मामले रखे गए, जिसमें से 414 मामलों का निराकरण हुआ और अवार्ड राशि 17,18,699, लाभान्वित व्यक्ति 441 रहे। इस लोक अदालत में जिले के विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से 11 आपराधिक प्रकरण से संबंधित, विद्युत विभाग के 69 प्रकरण, वैवाहिक 21 प्रकरण, सिविल प्रकरण 8 सहित अन्य 9 प्रकरणों का इस प्रकार कुल 162 लंबित प्रकरण का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाकर कुल राशि 1,47,49,576 मामले निपटे, कुल लाभान्वित व्यक्ति 603 रहे। लोक अदालत में कितने मामले रखे गए, क्या क्या निराकरण होगा, पक्षकारों को क्या लाभ होगा? आज इस साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत थी और इस लोक अदालत में सभी प्रकार के प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा गया है, जो कि न्यायालय में लंबित थे या जिनकी भविष्य में आने की संभावना थी। प्रीलिटिगेशन के अंतर्गत लगभग 6,000 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें बिजली विभाग द्वारा जो वसूली योग्य धनराशि थी उनसे संबंधित प्रकरण, जलकर वृत्ति कर संबंधित प्रकरण, बैंक वसूली के प्रकरण को लिया गया था। साथ में वो प्रकरण जो कि न्यायालय में लंबित थे और राजीनामा योग्य थे, जिसमें कि पारिवारिक विवाद के मामले, चेक बाउंस के मामले, राजीनामा योग्य दांडिक मामले, सिविल मामले, ये सही प्रकरणों को रखकर के दाखिल करने का प्रयास किया गया है। अभी गिनती अभी जारी है कि कुल कितने प्रकरण दाखिल किए गए हैं, फिर भी अधिक संख्या प्रकरण निपटे हैं। हजारों की संख्या में कर वाले, बैंक वसूली वाले और विद्युत वाले प्रकरणों का निराकरण हुआ है। इसके अलावा न्यायालय के लंबित प्रकरणों में भी अधिक से अधिक निराकरण किया गया है, जिसकी भी संभावना और अधिक है। अभी समय बाकी है, इसलिए अभी और अधिक प्रकरणों के निराकरण होने की संभावना है। खबर समय जगत के लिए छतरपुर से ब्यूरो चीफ वशिष्ठ नारायण श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम है आपकी आवाज़।